राजधानी रायपुर के महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट के एक शोरूम में रोज की ही तरह एक खास नजारा देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ एक गौ माता है जो कि एक साड़ी के शोरूम में उसके मालिक के साथ हर दिन आकर दुकान में बैठती है और मालिक के प्रति गहरे लगाव और प्रेम को वो दिखाती है, दर्शाती है। एक गाय रोज शोरूम के अंदर दरवाजा खोलकर खुद अंदर आती है और फिर मालकिन बनकर वो गद्दी पर बैठती है और इसके बाद कुछ घंटे बैठकर वो जाती है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए सर। पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट के एक शोरूम में रोज गौ माता पहुंचती है। ये क्रम शुरू हुआ था 7 साल पहले। धनतेरस के दिन शोरूम में पूजा पाठ चल रही थी, तभी गौ माता ने प्रवेश किया। पूजा करा रहे पंडित ने चंद्र योग पर गौ माता की आगमन को बहुत शुभ बताया। गौ माता की उसी दिन पूजा हुई और शोरूम के संचालक की पत्नी ने गौ माता का नामकरण चंद्रमणि कर दिया। इस दिन से आज तक गौ माता बकायदा शोरूम का डोर खोलती हैं, फिर भीतर आकर गद्दी पर बैठ जाती हैं। कुछ देर बैठने के बाद गाय खुद उठकर बाहर चली जाती हैं। उनके साथ उनका बछड़ा चंद्रभान भी रोज आता है, लेकिन वो बाहर रहकर अपनी माँ का इंतजार करता है और कभी भीतर नहीं आता। शोरूम के संचालक इस अनोखी घटना को अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं पूरी दुनिया को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब गौ माता आपके घर आए तो आप समझना कि साक्षात जगदम्बा माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप पर हो रही है। आप उसे पानी डाल के या लकड़ी लगा के या डंडा मार के न भगाएं, उसे अपने घर में आदर पूर्वक सम्मान दें। जो गाय का वाइब्रेशन होता है वो भी बहुत पवित्र होता है, बहुत पॉजिटिव होता है और उसके ऑरा में हम रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक अलौकिक अनुभूति होती है। और मैं यहाँ तक अगर कहूँ कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ हमें दूध मूत्र गोबर यही नहीं देता, बल्कि अपने श्वासोश्वास से जो वो ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन देता है। इस धरती में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो श्वासोश्वास में हमें श्वासोश्वास हमारी जिंदगी प्रदान करे। यानी मैं ये कहूँ कि गाय हमें हमारी जिंदगी प्रदान करती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पदम डागलिया खैरागढ़ की मनोहर गौशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। गायों के प्रति उनके सेवा भाव और समर्पण को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने उन्हें जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मानद सदस्य भी बताया है। वैसे भी हमारा देश गाय को माता के रूप में पूजता है, इसे कामधेनु और माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, लेकिन साड़ी के शोरूम में ऐसी अनोखी घटना कम ही देखने और सुनने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।